दोस्तों, किसे अच्छा लगता है कोई गैस निकाले और आप वहां मौजूद हो, और जिसे गैस बन रही है उसके लिए भी ऐसी स्थिति बहुत ही शर्मनाक हो सकती है। तो क्या गैस निकलना एक मजाक का विषय है, या ये स्थिति किसी बीमारी या किसी गलत आदत का एक संकेत है? अगर आप भी बार बार गैस निकलने से परेशान है तो आज का वीडियो आप ध्यान से देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा डैड ऑफ हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम जब भी कुछ खाते हैं या पीते हैं तो उसका पाचन होता है और इस पाचन में गैस बनती है। ये एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर बनती है, यानी गैस बनना एक डाइजेशन का साइड इफेक्ट है जो कि एक सामान्य बात है, और कई बार शरीर में गैस हवा ज्यादा लेने की वजह से भी हो सकती है, जो कि खाते समय कई बार हम खाने के साथ ले लेते हैं। किसी भी नॉर्मल इंसान में ये गैस मुंह से डकार के तौर पर और लैट्रिन के रास्ते से गैस या फाट के तौर पर निकल जाती है, और इस तरह से गैस एक दिन में 20 से 30 बार निकलती ही है। ये एक नॉर्मल इवेंट है, पर हाँ, ये सिचुएशन एम्बेरेसिंग या अनकंफर्टेबल आपको हो सकती है। हमारे शरीर में गैस चार तरह से बनती है। पहले तब जब आप खाते पीते हैं समय हवा सोलो करते हैं, दूसरा तब जब बड़ी आंत में खाना पहुंचता है तो वहां के बैक्टीरिया खाने को पचाने में मदद करते हैं और गैस बनाते हैं, तीसरा केमिकल रिएक्शन है, और चौथा है कुछ ब्लड गैसेस जैसे नाइट्रोजन ब्लड से डिफ्यूज होके आंतों में आ जाती है। जब अपचा खाना छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में पहुंचता है तो बड़ी आंत के बैक्टीरिया काम पे लग जाते हैं और खाने से हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैस बनाते हैं, और कुछ तरह के फूड आइटम्स दूसरे फूड आइटम्स की तुलना में ज्यादा गैस बनाते हैं। जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो साथ में हवा भी निगल लेते हैं, और इस हवा के साथ आती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, इसलिए जब हवा निगलते हैं तब डकार आती है जिसे बर्पिंग भी कहते हैं, और डकार के साथ ये गैस बाहर निकलती है, और जो भी गैस डकार से नहीं निकलती है वो छोटी और बड़ी आंत तक पहुंचती है, और फिर ये गैस लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबको गैस बनती है और सबको गैस निकालनी भी पड़ती है, पर कुछ लोगों को गैस ज्यादा बनती है और कुछ फूड आइटम से गैस ज्यादा बनती है। आइए सबसे पहले ये जानें कि किन किन फूड आइटम से गैस ज्यादा बनती है। दोस्तों, इनमें आते हैं हाई फोडमैप आइटम्स जैसे फूल गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, कुछ फल जैसे कि आम, नाशपाती, तरबूज, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, आइसक्रीम, अनाज में हमारे गेहूं, शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि पैकेज्ड फ्रूट जूसेस, सोडा, स्पोर्ट ड्रिंक्स या फिर एनर्जी ड्रिंक्स, खासकर वो ड्रिंक्स जिसमें फ्रक्टोज कॉर्न सिरप ज्यादा मात्रा में होता है, ऐसे च्यूइंग गम और कैंडी जिनमें मीठी के लिए सोर्बिटॉल, ज़ाइलिटॉल, एरिथ्रिटॉल और मैनिटॉल जैसे स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जो फूड आइटम्स हाई फोडमैप की कैटेगरी में आते हैं उनसे अक्सर गैस ज्यादा बनती है, क्योंकि ऐसे फूड आइटम्स को शरीर तो मुश्किल से पचा पाता है पर बैक्टीरिया ऐसे भोजन से गैस जरूर बनाते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियों की वजह से गैस ज्यादा बनती है और निकलती है। इनमें सबसे पहला है दोस्तों सीलिएक डिजीज। इस बीमारी में आते ग्लूटेन पचा नहीं पाती है और फिर गैस बनती है। इसके अलावा इस बीमारी में भोजन से पोषक तत्व भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। अगली बीमारी है दोस्तों GERD, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें पेट का एसिड भोजन की नली में आने लगता है और जिससे गैस डकार के तौर पर निकलती है। दोस्तों, अगली बीमारी है लैक्टोज इनटॉलरेंस, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले लैक्टोज को मरीज पचा नहीं पाते हैं और इस लैक्टोज की वजह से बहुत ज्यादा गैस बनती है। इसी तरह से फ्रक्टोज इनटॉलरेंस में फ्रक्टोज में पाई जाने वाली फ्रक्टोज को पचाना मरीज के लिए मुश्किल होता है और गैस फिर ज्यादा बनती है। दोस्तों, अगली बीमारी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर IBS, जिसमें आप नॉर्मल लेवल जो गैस का होता है उस अमाउंट से ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और पेट और आंत में भोजन की चाल एबनॉर्मल हो जाती है जिससे ज्यादा गैस बनती है और गैस निकलती भी दोस्तों ज्यादा है। दोस्तों, अगली बीमारी है गैस्ट्रोपेरेसिस। इस बीमारी में पेट से खाना जल्दी आंत में खाली नहीं हो पाता है, यानी ज्यादा देर तक पेट में ही पड़ा रहता है जिससे गैस ज्यादा बनती है और फिर ज्यादा गैस निकलती है, ऐसे लक्षण आते हैं। दोस्तों, अगली बीमारी है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यानी कि SIBO। इस बीमारी में छोटी आंत में जरूरत से ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं और ये बैक्टीरिया दस्त जैसे लक्षण करते हैं और साथ ही बहुत ज्यादा गैस बनाते हैं और इसमें वजन भी मरीज का कम होता है। दोस्तों, अगली बीमारी है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज,
जिसमें दो मुख्य बीमारियां आती है, पहली है क्रोन्स डिजीज और दूसरी है दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस। इन दोनों बीमारियों में खाना पचाने में दोस्तों परेशानी होती है और खाने से जो पोषक तत्व है वो एब्जॉर्ब करने में भी दोस्तों परेशानी होती है और इन बीमारियों में दोस्तों गैस भी ज्यादा बनती है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स में भी गैस ज्यादा बनने की समस्या हो सकती है। इन कैंसर्स में मुख्य है कोलोन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पेट का कैंसर। इसके अलावा जिन लोगों को अक्सर कब्ज की समस्या रहती है वो लोग भी ज्यादा गैस बनने से ज्यादा परेशान रहते हैं। अगर किसी को हर्निया हो गया है और हर्निया में आपका कोई हिस्सा फंस रहा है तो भी गैस ज्यादा बनना, गैस ज्यादा निकलना, ऐसे लक्षण दोस्तों देखे जा सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं में ओवरी की गांठ, एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियों में भी गैस ज्यादा बनने की परेशानी होती है। दोस्तों ये तो थी कुछ बीमारियां जिनकी वजह से गैस ज्यादा बनने लगती है, पर कुछ दवाएं भी ऐसी होती है जो गैस ज्यादा बनाने लगती है। इन दवाओं में दोस्तों मुख्य है एंटासिड्स, दर्द निवारक दवाएं यानी कि पेन किलर्स जैसे कि एनसेड्स, या फिर फाइबर सप्लीमेंट जैसे कि ईसबगोल या फिर आयरन सप्लीमेंट्स, एंटी फंगल दवाइयां, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ली जाने वाली दवाइयां, या फिर लेक्सेटिव्स यानी कि लेटरिंग लगने के लिए दी जाने वाली दवाइयां। इसके अलावा ज्यादा तनाव भी गैस ज्यादा बनने का कारण दोस्तों देखा गया है। इसके अलावा जो लोग अनइंटेंशनली ज्यादा गैस निगल लेते हैं उनको भी फिर ज्यादा गैस पास होती है, जैसे कि जो स्मोकिंग करते हैं उनके भी गैस ज्यादा पास होती है। अगर आप खाना जल्दी जल्दी खाते हैं तो भी गैस ज्यादा आपकी निकलेगी। अगर आप स्ट्रॉ से ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं या फिर अगर आपको च्युइंगम चबाते रहने की आदत है तो भी आपकी दोस्तों ज्यादा गैस पास होगी। तो देखा दोस्तों, गैस ज्यादा बनना और गैस निकलना जहां एक आम बात है, एक नॉर्मल बात है, वहीं गैस ज्यादा बनना और गैस ज्यादा निकलना किसी गंभीर बीमारी का कई बार संकेत हो सकता है। इसलिए अगर आपको कुछ दिनों से ज्यादा गैस बनने लगी है तो दोस्तों इसे नजरअंदाज ना करें। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। बाकी आगे भी ऐसी जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल डायडॉक हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।